गैस ये है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी के पीए मनोज मोदी जी का घर, जो कि ये गिफ्ट किया हुआ है मालवाड़ रोड में, जो आप लोग देख सकते हैं यही है 22 महला का इमारतें, और यहां का खूबसूरती हम आपको आगे में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गैस आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं मुकेश अंबानी जी, जो उनका पीए है मनोज मोदी जी, उनका घर दिखाएंगे, जो कि भारत के सबसे नंबर वन व्यक्ति है मुकेश अंबानी जी। साथ साथ में उसका घर भी भारत के सबसे महंगा घर है मुकेश अंबानी जी का। तो हम चलते हैं उसका पीए के घर पे, जो उसका पीए है उनका घर कितना बड़ा है और कितने का हाई प्राइज का, और उसका घर के अंदर में क्या क्या सुविधा है, जो उनका पीए किस जगह पर रहता है। फिलहाल मैं भी मालवाड़ हिल में हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं वीडियो पे। गैस आप लोग देख ही सकते हैं इस घर का खूबसूरती, जो कि ये नीचे में जो ग्राउंड फ्लोर आप लोग को दिखता होगा ना, ये 7 महले तक ना ओनली फॉर पार्किंग है, कार पार्किंग है, जो आप लोग को दिखता होगा। हम जूम करके दिखा रहे हैं आप सबको, यहाँ पे जो है ना कार वगैरह लगा है जो, और ऊपर में गैस देख सकते हैं कितना खूबसूरत से ना इन घरों को ना सजाया गया है। आप लोग देख ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना इसके घर के अंदर में ना सोफा वगैरह भी दिखता होगा, किस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, और एक एक ना बारीक तरीके से ना घर को अच्छी तरीके से सजाया गया है। जिस तरह से मुकेश अंबानी जी ने अपने घरों को इंटेलिया को जो ना रखा गया ना, इसी तरह से ना जो उनका पीए है, जो उनका पूरा कारोबार संभालते हैं ना, ये उन्हीं को ना गिफ्ट में दिया गया है। आप लोग देख ही सकते हैं वहाँ पे ना थोड़ा सा ना लाइट वहाँ पे चल रहा है, जो कि वहाँ पे झूमर वगैरह ना किस तरह से लगाया गया है। और गैस इसका घर के अंदर में ना सारी सुविधा और सारी फैसिलिटी दिया गया है। इसके घर के अंदर में ना गैस यहाँ पे जिम वगैरह और हर स्विमिंग पूल वगैरह हर प्रकार का यहाँ पे ना इस घर के अंदर में ना सुविधा दिया गया है। और गैस ये ना यहाँ पे लोकेशन है ना, ये जो पड़ते हैं ना नेफेंसी रोड इलाके में पड़ते हैं, और इसके बाजू में ही पूरा यहाँ पे जो है ना गार्डन है, जो आप लोगों को दिख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ का एरिया का पूरा समुद्र के किनारा ही यहाँ पे पड़ता है, और साथ साथ में यहाँ का बहुत ही अच्छा खूबसूरती लोकेशन भी है। और गैस इसका ना प्राइज है 1500 करोड़, और गैस ये है ना 22 महला का इमारतें हैं, और इस ये जो है ना मुकेश अंबानी जी दिए हैं। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से अभी धीरे धीरे ना इन घरों का ना लाइटें ना चालू हो रहे हैं, क्योंकि गैस अभी टाइम भी ना 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ का ऊपर का जो नज़ारा है ना गैस, ऊपर में जो गार्डन वगैरह बनाया है ना, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से गार्डन वगैरह भी इस घर में बनाया गया है। गैस यहाँ पे ना सारे सुविधा ना इस घर के अंदर में दिया हुआ है, और हम थोड़ा ना आप लोगों को अभी ले चलेंगे वो बिल्डिंग के नीचे में, जो कि अभी फ़िलहाल में हम ना गार्डन में हैं। फिलहाल में अभी हम ले चलते हैं उसके घर के नज़दीक में, नज़दीक से दिखाएंगे किस तरह से उसका जो ग्राउंड फ्लोर वगैरह भी है ना किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। फाइनली गाइस यहाँ से हम चल रहे हैं, जो कि आप लोगों को बैकग्राउंड में दिखता ही होगा, हमने यहाँ से भी नज़दीक ले चलते हैं, और नज़दीक से आप लोग को ना इन घर का ना पूरा बैकग्राउंड का जो है ना पूरा नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह से ग्राउंड फ्लोर वगैरह भी बनाया गया है ना। साथ साथ में हम इनका जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, जिस तरह से मुकेश अंबानी जी के घर पर रहते हैं उसके तो जो है ना उसी तरह से, उससे थोड़ा कम ना इसी प्रकार से यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रहते हैं। तो फिलहाल में चलिए हम उसका घर के नज़दीक से आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल में गैस हम ना अभी मनोज मोदी है इनका बिल्डिंग के नीचे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का ना बैकग्राउंड का ना ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाया गया है, किस तरह से यहाँ पे फोर्स वगैरह जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है ना किस तरह से क्रिएट है। इस गेट पे भी देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पे पूरा तैनात है, और यहाँ पे कार पार्किंग भी नीचे में ही दिया गया है। और गैस कैमरा देखिए, कम से कम ना 100 कैमरा ना गेट के ब्लग बगल में ही लगा हुआ है, पूरा कैमरा ही कैमरा लगा हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं, हम जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को, और ये गार्ड वगैरह भी देख सकते हैं पूरा यहाँ पे स्टिक है, और डॉग के साथ में लेकर के ही यहाँ पे है, जो कि जिस तरह से इंटेलिया हाउस में ना सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसी तरह से ये भी घर में ना यहाँ पे गार्ड वगैरह ना पूरा यहाँ से दिया गया है। जिस तरह से मुकेश अंबानी जी अपने घरों को सुरक्षा में रहते हैं ना, इसी तरह मनोज मोदी का भी दिया गया है, जो उनका पूरा कारोबार जो संभालता है ना, जो पूरा उसका दहिना हाथ माना जाता है, इसी का ये घर गिफ्ट दिया हुआ है।
गैस आप लोग देख सकते हैं। मुकेश अंबानी के करीबी मनोज मोदी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई गुजरात से की है, बाद में वह अपनी इंजीनियरिंग के लिए मुंबई आ गए। उन्होंने अंबे विद्यालय ऑफ मुंबई के जो है ना कार वगैरह केमिकल इंजीनियरिंग में स्थानित किया। बाद में वह रिलायंस इंडस्ट्री में शामिल हो गए। तब से वह रिलायंस के साथ में ही मुकेश अंबानी जी से जुड़ गए हैं। अगर टेक्निशियन के हिसाब से बात करें तो मनोज मोदी रिलायंस के रिटेल और रिलायंस जियो के डायरेक्टर हैं। पिछले काफी समय से मनोज मोदी रिलायंस से बिना किसी पद के काम करते रहे हैं। मनोज मोदी रिलायंस के साथ में 1980 से जुड़े हैं। मनोज मोदी ने धीरू भाई अंबानी के साथ में ही काम कर चुके हैं, जो कि जब से धीरू भाई था मुकेश अंबानी जी के पिताजी, तब से ही मनोज मोदी ने अपना जियो को संभालते आते रहे हैं। मुकेश अंबानी की पूरे कारोबार संभालती है, जो कि उसका दहिना हाथ माना जाता है। और गैस यही उसका इमारत जो है दिया हुआ है बैस महलय का, जो मुकेश अंबानी जी ने इनको गिफ्ट में दिए है मालवार हिल रोड में, जो कि टाटा गार्डन के बाजू में ही पड़ता है। जो आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड का नजारा किस तरह से यहाँ पे लोकेशन में है इनका घर, और यहाँ से ना बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत इनका घर ना यहाँ से दिखने में लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है। तो गाइस फाइनली आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लीजिएगा, जो कि इस वीडियो में हम ना पूरा मनोज मोदी जो कि मुकेश अंबानी जो है एशिया के सबसे नंबर वन व्यक्ति है उसका जो पीए है ना उनके घर का बारे में डिटेल दिए हैं। तो ऐसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी तरह से हमारा ना सारे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा।